अनंतनाग राजौरी सीट महबूबा मुफ्ती के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती, नेका के लिए वर्चस्व साबित करने की जंग। लगातार चर्चा में रही अनंतनाग राजौरी सीट के माध्यम से पहली बार दो भौगोलिक इकाइयां जम्मू और कश्मीर राजनीतिक तौर से जुड़ी दिख रही हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों के दोनों ओर फैले इस क्षेत्र के नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण किसी फिल्म की पटकथा से दिखाई पड़ते हैं। नए समीकरण गढ़ रही भाजपा, एक और गठबंधन के बनने बिगड़ने की कहानी है तो तीखे आरोप प्रत्यारोप का मसला भी भरपूर है। कभी मुगल रूट से आगे बढ़कर कश्मीर में कमल खिलाने की रणनीति बुन रही भाजपा, अब दो कदम पीछे खिंच नए समीकरण गढ़ रही है महबूबा के सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई। वहीं अपनों से झटके झेल चुकी पीडीपी प्रमुख महबूबा के लिए यह अस्तित्व बचाने की लड़ाई है तो नेकाम फिर से दक्षिण कश्मीर में बच्चों से साबित करने की जुगत में है। इन सबके बीच अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी नेकाम और पीडीपी से मुक्त कश्मीर का नारा देकर नए समीकरण साध रहे हैं। 2022 में अस्तित्व में आई अनंतनाग राजौरी सीट, वर्ष 2022 में नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई अनंतनाग राजौरी सीट में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग कुलग्राम और शोपिया के 11 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू संभाग के राजौरी व पुंछ के 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में पीर पंजाल की पहाड़ियों की दीवार टूटती दिख रही हैं। भले ही मौसम की चुनौतियों और मतदान टालने की अटकलों ने प्रचार अभियान में चुनौतियां बढ़ाई हों, पर कोई भी दल कसर नहीं छोड़ना चाह रहा। जटिल है सामाजिक ताना बाना। कश्मीरी दल भले ही 370 की वापसी का वादा न कर पाए, इस पर विषय पर लोगों ने भावनाओं को हवा देने में कसर नहीं छोड़ रहे। इस पूरे क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के बीच सामाजिक ताना बाना भी काफी जटिल है। पूरे क्षेत्र में कश्मीर में कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी मतदाता हैं। कुल 18.70 लाख से अधिक मतदाता पहाड़ी मतदाताओं में हिंदू व सिख समुदाय के मतदाता हैं, जबकि कश्मीरी भाषी मतदाताओं में सिख व कश्मीरी हिंदू मतदाताओं की संख्या भी 40-45 हजार है। कुल 18.70 लाख से अधिक मतदाताओं में से 85% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं और उनमें करीब 2.5 लाख खानाबदोश, गुज्जर, बकरवाल और अन्य जनजातियाँ हैं।